तो आज की हमारी इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम, राइट सर? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे एक स्टाफ है, मतलब सॉरी एक हमारे स्टूडेंट्स है, वो गूगल सीट हमसे पढ़ के मुझसे उन्होंने एक सवाल किया है कि वो गूगल सीट पे तो काम करते ही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि गूगल सीट पे नहीं है, एक फॉर्म की तरह यूज करना चाहते हैं, तो एक गूगल फॉर्म गूगल सीट तो है ही, बट वो चाहते फॉर्म के अंदर ही गूगल गूगल सीट चले, गूगल सीट के अंदर ही फॉर्म चले। तो यूज करने का उनका प्रॉब्लम क्या है कि कई सारे लोग उसको यूज कर सके सर, समझ गए? कई सारे जो है उसको यूज कर सके, मेन पर्पस एईएम का। तो हमने उनको सुझाव दिया, एक तरीके बताया कि उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए ये आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात जानेंगे कि गूगल सीट क्या होता है, राइट सर? तो आप गूगल ड्राइव आपको मिलता है, तो गूगल ड्राइव में आप जो है एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट जैसे बहुत सारे फीचर्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसी में आपका गूगल सीट होता है। तो गूगल सीट एकदम एक्सेल की तरह होता है, लेकिन ये ऑनलाइन वर्क करता है। जैसे ओपन में अगर आप गूगल सीट करते हैं तो किसी भी फाइल को, एक्सेल फाइल को आप सीट में ओपन कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने, और एक्सेल मोस्टली फॉर्मूला इसमें वर्क करते हैं। एक्सेल में जैसे पिवट है, चार्ट है, हर एक चीज इसके अंदर अवेलेबल है सर, राइट सर? यस सर। और यार इसमें भी प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन इसमें आपका इसकी स्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग होती है सर, और इसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब मेरा काम क्या है कि मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, मैं चाहता हूं एक्सेल फाइल पे मैं जो भी वर्क करूं वो कई सारे लोग उसको एक्सेस कर सके, और जो भी मैं अपडेट करूं वहां पे उनको इजीली दिख जाए, समझे? तो कंपनी में भी ऐसा हम काम करते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग शेयर ड्राइव यूज करते हैं ना सर, नेटवर्क ड्राइव, टीम ड्राइव, सर्वर लेना पड़ता है, ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हम। तो उसके लिए हम यूज करेंगे गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव इसलिए यूज करेंगे, गूगल ड्राइव आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए चार्ज नहीं है, और इसमें गूगल सीट है, तो गूगल सीट इजीली वर्क करेगा इसलिए, ठीक है? तो आप जो सबसे पहले तो आप गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे, राइट? इसकी जो है यहां से सेटिंग में आएंगे आप, तो यहां से गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप दिख रहा है? Yes, sir. Get drive for desktop, इसको आप यहां से डाउनलोड करेंगे, ओके? यहां से आप डाउनलोड करेंगे, ओके? डाउनलोड करने के बाद फिर इसको इंस्टॉल करना होगा, इसका ध्यान रखिएगा, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये रहा आपका इंस्टॉल हुआ ड्राइव, डाउनलोड दिख रहा है आपको? Yes, ये अलग है, ये अलग है। फिर आप जो आप डाउनलोड करेंगे उसको आपको रन करना है, इंस्टॉल करना है। मैं डाउनलोड में जाता हूँ, ये लो दिख रहा हूँ, और यहाँ से इसको रन करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा, डाउनलोड करेगा ये सॉफ्टवेयर को। देखिए इंस्टॉलिंग कर रहा है, डाउनलोड करके इंस्टॉलिंग कर रहा है, और कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूं। उसके बाद जब इसको आप गूगल ड्राइव को खोलेंगे तो आपको यहां पे लॉगिन करना होगा, राइट सर? आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा ईमेल आईडी से, राइट? यहाँ पे साइन इन में आप दीजिए, मैं अपना डालता हूँ आईपीटी एक्सेल स्कूल,
यहाँ पे पासवर्ड, अब इसमें बताते हैं आपको किसको किसको करना है, फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। अभी फिर अब मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, खाम खा आपका जो है ये कर देगा। एक एक गूगल ड्राइव नाम का एक यहाँ इस लोकेशन में आपको एक ड्राइव बना के दे देगा, ठीक है ओके। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आइकन भी आ गया, अब इस आइकन को ओपन करेंगे तो ये आपका एक फोल्डर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और ये फाइल आप देख रहे हैं ये आपका एक्सेल फाइल है, ड्रोन 7 की है सर, इसलिए ये अभी अपडेट कर रहा है। ये देखिए इस पे टिक मार्क लगा हुआ है ना, मतलब कि ये अभी अपडेट कर रहा है सर। टिक का निशान लग गया ना इस पे, मतलब इसने अपडेट कर दिया ओके। अभी इस एक्सेल फाइल को, अभी इस एक्सेल फाइल को मैं खोल रहा हूं, अभी इस जो ड्राइव है हमारा है ये रहा ड्राइव, अच्छा ये दूसरा खुला हुआ है, हम यहाँ एपिटेक्स स्कूल खोल लेते हैं, ये ड्राइव है, ये देखिए डीडी है। तो इस पर डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे, ओपन विद गूगल सीट कर दीजिए, यहाँ एक्सेल ओपन हो गया है आपका, ठीक है सर। अब यहाँ देखिए पूजा है, पूजा के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ नीरज, नीरज कर दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया रोल नंबर, और यहां पे मैं लिख दिया मोहन, मोहन यहां पे 3 कर दिया और मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है सेव कर दिया। अब ये ओके सर, अब इसको यहां ओपन विथ गूगल सीट हम एक में करते हैं, इसमें यही है ना, यही इसमें है। तो इसके देखिए सीट 1 पे यहां पे अभी फिलहाल पूजा ही है ना, थोड़ा देर में देखिए अपने आप अपडेट हो जाएगा, ये अपने आप अपडेट होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ले लिया है, बाय डिफॉल्ट मैं दूसरा अकाउंट ले रहा है ना सर, ये मैं का एक काम करता हूँ, इसका मैं इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ, ठीक है सर। अब मैं यहां पे कर देता हूं नाम और 3 कर दिया, कर दिया सर यहां 5 पे। अब मैं यहां पे इसमें रीओपन करना पड़ेगा, वो गूगल सीट पे होगा तो फिर यार डाउनलोड होगा ना सर, तो रीओपन रीओपन करना पड़ेगा, रीओपन करेंगे तब जाके फिर होगा, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज है कि अब इसमें मान लीजिए शेयर कर दो, मैं एक काम करता हूं मैं अलग एक और शेयर कर देता हूं आईपीटी इंडिया को,
आईपीटी दे। अब थर्ड पर्सन को मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, राइट सर। तो क्या होगा, एक मिनट में एक्सेल ओपन दोबारा करना पड़ेगा मुझे। एक काम करता हूँ ना, एक मैं डिस्कस करता हूँ, यहाँ मैं नीरज करता हूँ, नीरज नहीं, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे मोहन कर देता हूँ, मोहन यहाँ पे फोर कर, राइट। अब मैं इसको इसको ओपन करता हूँ एक्सेल फाइल को, आ गया मोहन, मोहन चौथा मेंबर आया, दोबारा ओपन करना पड़ेगा। और डाउनलोड होता है सर, पहले जब तक डाउनलोड नहीं होगा तब तक नहीं होगा सर। तो आप जैसे डालोगे तो वो अपलोड कर देगा, लेकिन फिर ये दिक्कत इसमें एक होती है कि जब वहाँ इंटरनेट पे कोई डालेगा तो आपके पास तुरंत अपडेट नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेल हमारा लाइव कनेक्टेड नहीं होता है ना सर। ठीक है सर, जब तक हमारा रीओपन नहीं होगा या डाउनलोड पूरा अच्छी तरह नहीं होगा तब तक, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन मैं यहां कुछ भी करूं, अब मैं यहां पे लिखता हूं कविता, लिखता हूं उदय, अब इसको करूंगा तो अब यहां आप देखिए ये हमारे एक अलग अकाउंट है। अब मैं इसको एक अकाउंट पे यहां ओपन करता हूं, मैं यहां शेयर भी करता हूं ड्राइव में और इसको ओपन करता हूं। देखिए आर्किटेक्चर स्कूल ने मुझे शेयर किया है ओपन विथ गूगल सीट, आ गया सर। ओके, तो इस तरह से आप मल्टी जगहों पे वर्क कर सकते हो। तो गूगल से यूज ना भी करो तो आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करके आप जो है कई सारे पीसीज पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे वर्क कर सकते हैं। आप एक सिस्टम में ओपन करेंगे तो दूसरा सिस्टम में वो चीज डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा, या लाइव ड्राइव में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक्सेस करेगा कुछ भी डालेगा तो यहाँ पे, राइट। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं इसमें यहाँ पे थर्ड पर्सन हमारा मैंने एक्सेस दे, मैंने यहाँ पे क्या है इसको एडिट का एक्सेस दिया हुआ है दूसरे अकाउंट को, तो करता हूँ कि मैं सीट वन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे वैसे सर हम यूज करते हैं काफी इसको, इसको मैं यूज करता था इस के लिए सर। वीडियो पहले मैं क्या होता कि हमारे जूम में तो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं था, पहले नहीं था, गो टू मीटिंग को यूज करता था सर। तो वहां पे और एक मतलब एक क्वेश्चन था। हेलो सर, आप पूछे हैं सर। मैं ये बोल रहा था जैसे मान लो ये अपने पूरे डेस्कटॉप में कहीं पे भी फाइल सेव करें वो अपने आप अपलोड कर लेता है या फिर उस फोल्डर में जाके शेयर करना पड़ेगा। सर उस फोल्डर में, लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही मैंने ये किया था क्या बोलते हैं जब डाइव इंस्टॉल कर रहा था गूगल ड्राइव को, तो आपने देखा था कि उस फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा था कि कौन कौन फोल्डर को आपको लेना है। अगर आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया तो डेस्कटॉप में कोई फाइल को फोल्डर को अपलोड कर देगा, ठीक है। अच्छा मतलब जहां काम एक्सेस देंगे वहां का ही मतलब कर हाँ, पाएगा। हाँ तो सर तो भाई जाहिर सी बात है ना, उसको सपना थोड़ी आएगा जो बोलेंगे सही। नहीं वो तो है। ठीक है सर, जो आप बोलेंगे वही करेगा, ठीक है सर। ठीक है सर, तो इस फीचर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं अपने अपने ऑफिस में इस तरह की डेटा शेयरिंग के लिए।
ये सही है, सेव, इससे डेटा सेव हो जाएगा हमारा। बट याद है ये डेटा डाउनलोड दिक्कत ही हो जाएगा, अपलोड ऐसे अपलोड हो जाएगा बट डाउनलोड में दिक्कत होता है। ठीक है सर, तो डाउनलोड में मतलब क्या करना पड़ेगा भाई, क्या कैसे? डाउनलोड के लिए एक मिनट, ये तो ओपन ऑन ड्राइव है ना, ये रहा ना, क्या है कि ये देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से आपको रिफ्रेश करना होता है बार बार यहाँ पे जो है ना, एक क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे अपलोड करता है ना सर। एक मिनट इसको पॉज करके एक बार प्ले कीजिए। हाँ अच्छा, ये इसने एक दिक्कत किया है, इसमें एक दिक्कत हुआ है सर, एक मिनट इसमें एक ये आपका एक्सेल जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन इसकी हो गई है, तो इसने एक गलत एक गलती यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे हो गई है, एक मिनट रुकिए। नहीं हो जाएगा, अपलोड भी हो जाएगा, उसमें टाइम लेता है थोड़ा सा। ठीक है सर, डाउनलोड होने ओके सर, टाइम का, क्योंकि ये फोल्डर को मतलब कि हम सेव करते हैं तो अपलोडिंग लगा देता है। अब इसको पता है इंटरनेट पे कुछ डायोड डाला गया है, उसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करते समय थोड़ी सी दिक्कत करता है सर। ठीक है ना, ठीक चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फाइल जो है वो भेज दीजिए, मैं देखूंगा। मैंने शेयर कर दिया आपसे। ठीक है, मैं देख लूंगा और आप लोग एडवांस